हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो सना की टोक झोंक दुनिया में आपका स्वागत है। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। सुबह मेरी हो रही है दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी सो गए थे रात को, फिर भी बहुत लेट उठे हैं क्योंकि दिन भर में बहुत काम था। पूरा 15 दिन हो गए शादी के वजह से, ये वो काम काम काम। हुदा की शादी से जो स्टार्ट हुआ था, मेरी शादी पर अभी एंड हुआ है, और अभी 7 तारीख से फिर हमारे घर में शादी है। तो फिर उसके लिए बहुत भाग दौड़ करना है। इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सो वो के अपना टाइम पास कर लूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटी ने मुझे चाय ला कर दी है, तो वो चाय अभी पी लेती हूँ। मैं चाय की शक्ल तो देखो अच्छी दिख रही है, तो मैं चाय पी लेती हूँ। हुदा को देखो, हुदा यहाँ तैयार हो रही है। हुदा किधर जा रही है? झाड़ू पोछा जल्दी कर। तो हुदा अभी जा रही है झाड़ू पोछा करने के लिए। वो आजकल वो शरीफ हो गई है, सर पे दुपट्टा रखने लगी है। चलो अच्छा है। अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने, चाय पी लूँ, उसके बाद जाती हूँ नहाने, उसके बाद मैं जो ड्रेस चेंज करूँगी, फिर बताती हूँ मैं दिन भर अभी क्या करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि अभी रोज़ बहुत हो गया कि कभी ये करो कभी वो करो। अलमास क्या कर रही है तू? अलमास भी चाय पी रही है। तो अभी देखते हैं। अभी तो मेरी चाय हो गई है, अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद चिकन का कुछ सालन बनाएंगे या चिकन चिल्ली बनाऊंगी, उसका भी वीडियो डालती हूँ। देखते हैं अभी कैसी बनती है क्या बनती है। मेरी बेटी जिसकी शादी हुई है वो अभी अंदर है, और जब तक उसका पासपोर्ट बनता है हम लोग यहाँ पर इंजॉय करेंगे अपनी बेटी दामाद के साथ। वो बहुत अच्छे से बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है मेरी बेटी, और मेरे दामाद तो बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी कुछ देर के बाद हम लोग उनसे भी बात करेंगे। बेटी मेरा फेस नहीं दिखाएगी पर दामाद दिखा सकते। मैं चाय पी कर जाती हूँ, फिर कुछ देर के बाद मिलती हूँ। कॉकरोच कॉकरोच की स्मेल आ रही है। अलमास अलमास कॉकरोच की स्मेल आ रही है क्यों? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कब बराबर धुले ना नहीं क्या? कुछ नहीं पीता हम लोग। बोल आगे। अभी दो मिनट चिल्लाएगी, शक्कर चम्मच दे तो दिला दे तू। उसका रिएक्शन देखो, गंदा सा मुंह बना रही है मलाई के चक्कर में। मुझे तो कोई एक किलो मलाई दे देना, मैं वो भी खा लूँगी। तो गाइस मेरा नाश्ता हो चुका है। ये अंडे के साथ जीरा भी पी सकती है, पानी भी पी सकती है, गोभी पी सकती है, कुछ भी पी सकती है। इसके पास कोई काम नहीं है, दो मिनट से जाती है मालक का दवा ढोती टाटक मे आई कमिंग। तो मलक अंदर से दिल में बोलती होगी नो 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 नो। बाल खड़े हो गए। मम्मी ने बोले थे कि फेस पैक लगाओ, पर फेस पैक का मुंह धो दिया है। प्रैंक हो गया। तो चलेगा, दूल्हे राजा ने अपना फेस पैक उतार चुके थे, तो कोई खास रिएक्शन नहीं मिल पाया। हमारे दामाद जी अभी तो दूल्हे ही है ना फिलहाल, तो दामाद जी ने फेस पैक का वो रिएक्शन मुझे चाहिए था, फिलहाल नहीं मिल पाया। आवाज़ बंद कर रहे, क्या लेने जा रही तेरे बच्चे को? वो क्यों लेने जा रहा है? ओह क्या बात है। और क्या लेने जा रही है? अल्लाह वो दिख रही है क्या? खोपड़ी वो जिसके अंदर मुंह के अंदर खोपड़ा नहीं होता, तो व्हाइट कलर का दुपट्टा वाला वो इतना स्टाइली इधर व्हाइट वाला दुपट्टे के अलावा कुछ नहीं। तो मेरा नहाना हो गया है, अब मैं जा रही हूँ खाना पकाने। सोच रही हूँ चिकन चिल्ली बनाओ कि चिकन का कोई भी अच्छा सा सालन, तो डिपेंड करता है। नहाने के बाद मैंने बाल अभी बनाई नहीं हूँ, ऐसी छिछली दिख रही हूँ। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। घर फटाफट साफ़ कर, और यह ज़्यादा गंदा नहीं है, घर एकदम साफ ही है। खाने में थोड़े बहुत पसारे वो उठा ले जल्दी जल्दी और साफ़ कर। ओए माँ टीवी पे क्या दे रहा है? हाँ लेकिन ये मोमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ ऊपर जब मैं खिला मार रही थी, फिर यहाँ पंखे पे लगा, पंखे से सीधा टीवी पर, और टीवी के हो गए 3 टुकड़े। ये अच्छा हुआ कि उधर तेरे हाथ से नहीं हुआ, वरना क्या होता?
उदा अभी फटाफट घर साफ कर रही है। एक अंडा भी इस लुकड़ी से खाया नहीं गया, एक अंडा भी वापस रख डाली। काश मैं इसकी जितनी दुबली हो जाती, काश मैं तू मेरी जितनी मोटी होना चाहती है। नहीं बिल्कुल, अल्लाह करे तू मेरी जितनी मोटी हो जाए वो जाए। तो भाई मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ चिकन चिल्ली बनाने। मेरा ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हो चुकी है। मैंने चिकन को पहले इस तरीके से मैंने तल लिया है, उसमें सारे मसाले लगाकर कॉर्नफ्लावर लगाकर सब मैंने तल लिया है। अब मैं यहाँ पर अच्छे की प्याज डाल रही हूँ, उसके बाद ये शिमला मिर्ची डालूँगी, उसके बाद ये जो मसाला है ये डालने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि चिकन चिल्ली प्रॉपर बनती कैसे है। बहुत ही टेस्टी बनती है ज़्यादा मसाले को। मैंने इसमें सब मसाले डाल दिए, उसमें रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, टमाटो सॉस, शक्कर, तो मेरी ग्रेवी अभी जोश आने वाली है। फिर मैं चिकन डालूंगी, फिर बाकी बताऊंगी कैसा बना, फिर बाद में हम लोग रेडी होंगे और सबसे पूछेंगे कि हमारी चिकन चिल्ली कैसे बनी। और हाँ, मेरे घर पर आ रहे हैं फोकट टीम, देखते हैं उन लोगों में से कौन कौन आने वाला है। और एक छोटी सी रस्म भी होने वाली है, जो अंगूठी की जो रस्म होती है वो एक रस्म बाकी है, वो रस्म होने वाली है। और भी कुछ दो तीन रस्म होने वाले हैं, तो देखते हैं आलतू फालतू और फोकट में से कौन कौन आने वाला है। गाइस हमारी चिकन चिली अच्छे से उबल रही है, अभी देखते हैं 5 मिनट के बाद। तो मैंने चिकन चिली में अभी चिकन डाल चुकी हूँ, तो मैंने अभी इसमें पानी डाल चुकी हूँ, कलर अभी चेंज होगा। चावल भी मेरा रेडी है, थोड़ी देर के बाद आपको बताते हैं। मैं गैस बहुत स्लो चल रहा है, उसके वजह से जल्दी पक नहीं रहा है। तो हमारा चिकन चिली हो गया रेडी, अब हम लोग खाना खाने भी बैठ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी खाना खा रहे? हां, आ जाओ तुम लोग खाना खाने के लिए। तो ये लोग आ गए हैं अवधेश और जाहिद भाई। अरे अक्षय और जाहिद, तो ये लोग दोनों आ चुके हैं अभी घर पर। तो मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, तो उन लोगों के लोग आ चुके हैं आलतू फालतू, अक्षय और शायद। तो अभी हम लोग जाएंगे कौन सी रस्म कुछ करने आए हैं वो लोग, अब वो रस्म पहले शुरू करेंगे। तो गाइस अभी लोग सब लोग आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, ये मैं तेरे से पूछा मलक, शादी के बाद तुझे कैसा लग रहा है यहाँ पर? अरे नहीं आपको बताना। तो मलक को तुझे कैसा रहना चाहिए मालूम है? घर ससुराल में अच्छे से रहना, पति का सेवा करना, अभी पति बोलना का पूरा काम करना, सुबह सुबह उठ के चाय नाश्ता जो भी ससुराल में जो भी लगता है सब कुछ करना। तो मतलब जैसे मुमानी करते थे, हाँ जैसा मैं करती थी वैसा मेरी बेटी भी इंशाल्लाह करेगी। हमने तारीफ की, हीरो की एंट्री हो गई है गाइस। वर्दी पहने पुलिस की जैसी। तो आकिब तुमको कैसा लग रहा है शादी के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज वो गाना हो जाए। तो अक्षय तेरा ब्लॉग कैसा चल रहा है? हाँ अरे माँ जल्दी आ गए, याद आ रही थी, याद सता रही थी, तुम लोग सबकी याद आ रही थी। अच्छा मामू आपकी याद में क्या चिकन चिल्ली बनाए मुमानी ने, एक नंबर बहुत अच्छी बनाई। जल्दी जल्दी में फट तो नहीं रहती है। अरे तूने भी रेडी की याद में नहीं बनाया? अरे माँ शायद को भी ला कर दे चिकन चिल्ली, कैसी लगी चिकन चिल्ली? अच्छी है ना? ओ क्या बात है, अब ये चिकन चिल्ली मुंह पे मार दूंगी। अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं पसंद आई तो मत खाओ। किसकी चिकन कल वाली ज्यादा अच्छी थी कि आज वाली? सच्ची सच्ची बताना। अभी तो आपकी अच्छी थी। सास की तारीफ हो रही है गाइस। ए फिर हमने तो खाली मिर्ची और अदरक और वही डाले थे बस। अरे तुम मैंने भी कुछ नहीं डाली एक्स्ट्रा, अलग अलग होता है सबके। हाँ नहीं चाचू अभी मैं बनाऊंगा।
क्या है चिकन चिल्ली। अब जायद बोल नहीं सकता कि मैंने जायद को दी मिर्ची डाल के दी है, लाल मिर्ची डाल के दे उसको, अक्खी अक्खी लटका दे उसके ऊपर। क्या अवैद क्या कर रहे थे तुम एक्चुअल? मिर्ची खा के मम्मी आपका कौन लगाना चाहेगा? अभी तू धोकर देगा इसको तो फिर अच्छे से यूज करना। तो अंदर बैठी है दुल्हन, तो यहाँ पर हो गई है सफाई, अब होने वाली है रस्म। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, एक अंगूठी की रस्म होती है जो हम शादी के बाद होती है, उसी रस्म की तैयारी हो रही है। तो चलिए अब उस रस्म को स्टार्ट करने चलिए। मेरा घर हो गया है तैयार और अभी इतना बैठे हैं मोबाइल में लगे हैं, सुबह से अभी थे नहीं घर में बेचारे, अभी अभी आए हैं बाहर से, अब यहाँ बैठे हैं। उन्होंने तो खाना भी खाए, पेट बहुत भरा हुआ है, तो रस्म करने के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। आवाज़ बहुत बैठी हुई है, लेके आ गई है थाला। थाल आ चुकी है, ये दो रुपए सी है। देखो मतलब तेको बताने का ना कि तेको मतलब किसका पलड़ा भारी पड़ सकता है, कि ऐसा सब ट्राई करना, ट्राई हार्ड करना कि लड़की जीतना चाहिए। तो दोनों जा रहे हैं फूल और दूध लेने के लिए, अभी देखते हैं रस्म स्टार्ट होने वाली। तो आप लोग ने देखा कि ये लोग कुछ रस्म करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है, एक्साइटिंग बोलने नहीं आता मुझे जरा सही से, तो एक्साइटिंग होने वाला है ये ब्लॉग। तो चले अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे होने वाला है रस्म स्टार्ट हो गई, तो ये पानी चुप बैठ रहे पहले हाथ से थोड़ा कलर। तो ये हमारी दुल्हन यहाँ बैठी है अभी यहाँ पर, और ये साहब यहाँ बैठे मैदान पते दूल्हे के साथ है कि दुल्हन के साथ है? ओ आखिर क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है? जो जीतने वालों के साथ है कौन जीतेगा? आखिर क्या लगता है, आखिर क्या लगता है कौन जीतेगा? वो तो मैं जीतूंगा। मतलब क्या लगता है कौन जीतेगा? ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। मतलब क्या बोलती कौन जीतेगा? ये दोनों भी अरे अरे मुंह बंद करने बोले, गुंगी बनने थोड़ी बोले। अरे यार मैं तो पूरा ही फूल डाल दी। हाँ तो आओ बैठो, आओ बैठो। वाह 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 बहुत अच्छी शायरी बोली। अब मेरे वाले वीडियो को भी लाइक करना सब्सक्राइब करना। तो हम लोग का ब्लॉग यहीं से एंड होता है, तो अभी सब लोग मेरे वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट द बेल आइकन गाइस। दोनों की एक दूसरे की रिंग मिली थी तीसरी बार भी हार जाती तो बुरा मान जाती, इस वजह से जिता के बाद में बुरा हाल होने से अच्छा था। बाद में बुरा हाल होने से बचा लिया अभी तेरे को। तो अभी तीसरा राउंड था, तो चलो किसको मिली है फिर? तो अभी ये रस्म हो जाएगी पहना हो चुकी है। तो 4 मिनट की बना बेटा, तेरा भी नंबर आ गया। अभी अभी नेक्स्ट झूला कौन बनने वाला? डांस करेंगे गाड़ी पे। मतलब पहले ही बोले कि मैं बनने वाला हूँ। हाँ एकदम सही साहिद भाई, आप तो बन गए, बन गए। जाओ जाए तो पहले से बने लाए और बनेगा क्या? क्या बात है।